नमस्कार मित्रों, मित्रों आप लोग इस वीडियो में जान पाएंगे कि वह कौन सा ऐसा महापुरुष था जो यदुवंशियों की जननी ब्राह्मण कन्या शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को ऐसा श्राप दे रखा था कि उन्हें कोई ब्राह्मण कुमार पाणि ग्रहण नहीं कर सकता था। और यह भी जान पाएंगे कि उस ब्राह्मण कन्या का संयोग यदुवंश से कैसे हुआ। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि यदुवंश के अंतर्गत आने वाले यादव शूद्र नहीं बल्कि पौराणिक क्षत्रिय हैं। तो चलिए इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। तो बात उस पूर्व काल की है जिसका वर्णन मत्स्य महापुराण के अध्याय 25 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। जब चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ, जिसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। किंतु वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवता उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर देते थे। तब वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगते थे। परंतु असुरगण जब देवताओं को मारते थे तो बृहस्पति महाराज जो देवताओं के पुरोहित थे उन देवताओं को पुनः जीवित नहीं कर पाते थे। ऐसे में बहुत सारे देवता असुरों के द्वारा मारे जाने लगे। तब देवता लोग शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो गए। तब वे बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्राह्मण हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम हमें अपनाओ और हमारी उत्तम सहायता करो और तुम भी शुक्राचार्य की तरह मृत संजीवनी विद्या सीख लो, तभी हम देवताओं का कल्याण हो सकेगा, अन्यथा हम सभी देवगण दानवों के द्वारा मारे जाएंगे। इसके लिए तुम शीघ्र ही शुक्राचार्य की सेवा में लग जाओ और इसके साथ ही शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को भी अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करके उसकी प्रेरणा और आशीर्वचन से शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीख लो। इस प्रकार से देवताओं के आग्रह पर बृहस्पति के पुत्र कच्छ वैसा ही करने के लिए तैयार होकर शीघ्र ही शुक्राचार्य की तपोभूमि पर गए। वहां जाकर शील स्वभाव वाले कच्छ आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगा। वह नवयुवक था और जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य गायन और नृत्य करके भली भांति बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखता था। और आचार्य कन्या देवयानी भी युवा अवस्था में पदार्पण कर चुकी थी। वह नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच्छ के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उसकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच्छ के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दानवों को यह बात मालूम हुई। तदंतर कच्छ को वन में एकांत प्रदेश में अकेले गवें चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच्छ को मारकर उसे आग में जलाया और उसकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे शुक्राचार्य को ही पिला दिया। जब देवयानी ने देखा कि गौएं तो वन से लौट आई हैं, परंतु उसके साथ कच्छ नहीं है, तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कही, पिताजी अवश्य ही कच्छ या तो मारा गया है या पकड़ लिया गया है। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। तब शुक्राचार्य अपनी पुत्री को अत्यधिक व्यथित हुआ देख कच्छ को जिंदा करने के लिए जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया, तब उनके पेट में बैठा हुआ कच्छ भयभीत हो धीरे से बोला। उसकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा,
वत्स किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए, ठीक ठीक बताओ। तब कच ने कहा, गुरुदेव, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया और मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। आपके बुलाए जाने पर मैं बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि मेरे बाहर निकलने से आपकी मृत्यु हो जाती और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तब शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं, क्योंकि मेरे बद से ही कच का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के अतिरिक्त और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच बाहर दिखाई दे। तब देवयानी ने कहा, पिताजी, कच का नाश और आपका बध ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे, क्योंकि कच के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपके मरने पर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच, अब तुम सिद्ध हो गए क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। तात मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो, मुझे पुनः जिला देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्म युक्त दृष्टि से ही देखना। तब गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके विप्रवर कच तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आए और मृत शुक्राचार्य को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिए। कच ने इस प्रकार 1000 वर्ष तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब गुरु से घर जाने की अनुमति मिल जाने पर उसने देवलोक में जाने का विचार किया। तब उस समय देवयानी ने उससे इस प्रकार कहा, तुम जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे उन दिनों मैं तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसे तुम भूले नहीं होगे। अब तुम व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हो और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझे स्वीकार करके विधिवत मेरा पाणि ग्रहण करो। तब कच ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीय हो, अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तब देवयानी बोली, द्विजोत्तम, तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मेरे पिता के नहीं, अतः मेरे भाई नहीं लगते। तुम धर्म के ज्ञाता भी हो, मैं तुम्हारे प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूँ, तुम्हें मेरा त्याग करना कदापि उचित नहीं है। देवयानी ने कच से और भी अनुरोध और अनुनय विनय की, किंतु देवयानी के सारे अनुरोध और विनय को कच ने टाल दिया। तब क्रोधित होकर देवयानी ने कच से बोली, कच, दैत्यों द्वारा बार बार तुम्हारे मारे जाने पर मैंने पति बुद्धि से ही तुम्हारी रक्षा की है, इसलिए मैंने धर्मानुकूल काम के लिए तुमसे प्रार्थना की है। यदि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो यह संजीवनी विद्या तुम्हारे कोई काम न आएगी। तब कच ने देवयानी से कहा, तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वशीभूत होकर आज श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी और कोई भी ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणि ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी। इस प्रकार कच भी देवयानी को साप देकर देवलोक को चले गए और कच के इसी साप के कारण ब्राह्मण कुमारी देवयानी का विवाह किसी ब्राह्मण कुमार से नहीं हो सका। किंतु बहुत समय बाद जब देवयानी एक कुएं में गिर गई थी तो उसे चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा ययाति ने
उस देवयानी को कुएं से बाहर निकालकर उसका पाणी ग्रहण किए। किंतु इस प्रकार के विवाह से पहले राजा ययाति ने शुक्राचार्य से कहा, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। तब शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, विवाह को लेकर तुम प्रशंसा के पात्र बन जाओगे और मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूं। तब चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा ययाति से ब्राह्मण कन्या देवयानी के उदर गर्भ से दो पुत्र यदु और तुर्वसु हुए, और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु से यदुवंश अर्थात यादव वंश का उदय हुआ, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसके अलावा यदुवंश के यादवों को क्षत्रिय होने का प्रमाण इसी मत्स्य महापुराण के अध्याय 34 में लिखा गया है कि ययाति की पत्नी देवयानी के पुत्र यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए और उनके दूसरे पुत्र तुर्वसु की संतान सीमांत से लेकर यूनान तक के निवासी यवन कहलाए। मित्रों, उस समय भारत की सीमा यूनान आदि देशों तक थी, फिर भी कुछ जानकार लोग जानबूझकर अज्ञानी अज्ञानतावश और ईर्ष्या करने वाले लोग ईर्ष्यावश यादवों को शूद्र बताने और कहने में जी जान से लगे हुए हैं, जबकि सच्चाई क्या है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण सहित जाना। तो मित्रों, इस प्रसंग के साथ साथ यादवों के पौराणिक क्षत्रिय होने का प्रमाण कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।